उसके बारे में अवेयर नहीं है। मैं कहीं वीडियो बनाने जब जाता हूँ, फोटोशूट करने जाता हूँ, तो लोग ऐसे देखते, अरे ये क्या हो रहा है। एक अंदर से फीलिंग आई सर कि हाँ ये फ्यूचर है। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज थी पार्ट टाइम वाली, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे इस चीज ने अट्रैक्ट किया कि एक तो अर्निंग होगी और वो भी पार्ट टाइम में भी हम कर सकते हैं। आई थिंक मैंने 65% कोर्स ही कंप्लीट किया था और मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया था। आपका जो समझाने का तरीका है वो इतना सिंपल है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। यहाँ पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम से भी, पैसे से भी और सीखने से भी। अर्निंग्स की तो आप चिंता छोड़ ही दें, अर्निंग तो होगी ही होगी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है कपिल भाटी जी, जो कि हमारे अचीवर स्टूडेंट्स में से, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं गूगल से फोटोग्राफी को सीखने के बाद में। और आज उनका हम इसमें एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसे वो इस प्रोग्राम में आए, सीखे, समझे, अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे उनकी जर्नी रही, क्या उनकी लर्निंग्स हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। सो कपिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन थैंक यू सो मच सर। गेटिंग योर प्रोजेक्ट्स। एंड सबसे पहले तो कपिल जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हो जानना चाहेंगे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम कपिल भाटी है, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में है, और मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं वहाँ पे इंपोर्ट संभालता हूँ और मेरी सैलरी जो है नेट सैलरी वो अभी 18,000 है। और इसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐड दिखी जो अभिजीत सर की थी। अभिजीत सर की मैंने ऐड देखी, फिर एक मैंने इनकी जूम मीटिंग अटेंड की। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर है, मीन्स हमारे लिए कुछ ऐसा है जिसमें हम बिना बंधे कुछ भी कर सकते हैं करेक्ट, और फ्रीली हम यहाँ पे इनकम भी ले सकते हैं। राइट। तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना हिचकिचाए अभिजीत सर की जो मीटिंग है वो कंप्लीट की, मैंने कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद आई थिंक मैंने 65% कोर्स ही कंप्लीट किया था और ओके, मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया था। गुड। मतलब ऑलमोस्ट कितने दिनों के अंदर स्टार्ट करने के, कितने दिनों में? इट्स विद इन एट 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 डेज 8 डेज के अंदर ही पहला प्रोजेक्ट मिल गया। जी। गुड गुड, तो विद इन 8 डेज मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, वो दिल्ली में रोहिणी में, ये पेट पेट क्लिनिक था। हाँ, पेट क्लिनिक। और जी मैंने वहाँ पे उनका 360 डिग्री टूर किया और फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे 5,000 रुपीज़ मैंने अर्न किए फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रेट। से ही। पहले प्रोजेक्ट्स में तो मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि प्राइसिंग के ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, जी सर इम्प्लीमेंटेशन सीखने के बाद में कई बार मे बी स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। सो वहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन सीखने, समझने में, डिलीवर करने में ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। वो तब कंप्लीट होते हैं जब आप डिलीवर कर देते हो, राइट? यस सर यस सर तो राइट सर। यस यस, यू कैन कंटिन्यू। क्या बोल रहे थे आप? आफ्टर दैट मुझे मेरा सेकंड प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट था मेरा, दो प्रोजेक्ट थे एक्चुअली, एक ही क्लाइंट के दो प्रोजेक्ट थे। वन प्रोजेक्ट इज इन डेल्टा वन नियर बाय माय ऑफिस एंड सेकंड वन इज इन जेवर टप्पल, इट इज इन ऑल्सो इन ग्रेटर नोएडा। तो गुड। मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट किए, वहां से भी मुझे 5,000 की अर्निंग्स हुई। सो एंड कपिल, जी सर स्टार्टिंग में अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके जो सेगमेंट्स है, अभी आप एंट्री प्राइस में काम करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है सारे। ये जी जो सर 4 प्रोजेक्ट आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स यस सर। आपको मिले कैसे? क्या मेथड आपने यूज किया था, वो बताइए। जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं खुद से ही प्रोजेक्ट हासिल कर लेता हूँ। मैं मतलब मैंने फील्ड में जाना शुरू किया, लोगों को ओके, बताना शुरू किया, ठीक लेकिन है। हमारे इधर अभी लोग ना इसके लेकर थोड़ा अवेयर नहीं है। ओके, ग्रेटर नोएडा में लोग बिजनेस का जो हमारा वो होता है
कि किस तरह से बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से इसका प्रचार करना चाहिए, उसके लिए अभी अवेयर नहीं है। ऑनलाइन हम इससे कैसे बढ़ाएं, सो मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऑफिस में ही अचानक से एक वन पर्सन केम टू मी एंड ही जस्ट सेड दैट कि हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं सर, और आप अपने ऑफिस का डिजिटल मार्केटिंग करा लीजिए। तो मैंने उनका कार्ड देखा, कार्ड में उन्होंने एक चीज और डाल रखी थी, वो थी वर्चुअल टूर। उसको देखते ही मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आप वर्चुअल टूर जो कराते हैं वो कैसे कैसे कराते हैं, क्या प्राइसिंग है आपकी, किस तरह से आप कराते हैं। तो वो पर्सन जो था वो उनका सेल्स पर्सन था, वो मतलब वो फील्ड में रहता है। तो उस पर्सन ने मैं उससे बोला कि सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ये सब प्राइसिंग के बारे में तो हमें सर बताएंगे। तो मैंने कहा वर्चुअल टूर मैं डालता हूँ, मैं ऑलरेडी कोर्स कर चुका हूँ, अभिजीत सर से सीख चुका हूँ। तो उन्होंने मेरी बात कराई अपने ऑनर से और उनके थ्रू मुझे चारों प्रोजेक्ट मिले हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सो ये जो स्किल है जो आपने सीखा वो आपके अल्टीमेटली वहाँ पे काम आ गया। आपको मार्केटिंग भी करना नहीं है, आपको क्लाइंट भी ढूंढना नहीं है अभी, और डायरेक्टली जी वहाँ से प्रोजेक्ट आते हैं। और मे यस बी अब जैसे आपने कहा ये, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बेसिकली उनके लिए आउटसोर्स कर रहे हो प्रोजेक्ट, मतलब शूट कर रहे हो जाके। सो मे यस बी जो आपको वो 5,000 पे कर रहे हैं पर प्रोजेक्ट, मे बी उनका चार्जेस 15-20 भी हो सकता है क्लाइंट के लिए। श्योर 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 मे बी इट कैन मे बी, हो सकता है, बी बट यू आर गेटिंग द प्रॉपर एक्सपीरियंस। लाइक शूट किया आपने, डिलीवर किया एवरीथिंग, सभी सब कुछ आपने ही किया। राइट सर। एंड एब्सोल्युटली ग्रेट ग्रेट। मुझे अभी एक डील मिली है जो मेरे ऑफिस के पास ही है, और ये एक ड्राई फ्रूट्स का शॉप है, ड्राई फ्रूट्स का शॉप है, और उनसे मेरी अच्छी से बात हो गई है। उनका भी अपर फ्लोर बन रहा है, लोअर फ्लोर फ्लोर कंप्लीट है, तो उनसे भी बातें चल रही हैं। हो सकता है मे बी मेरी डील जो है ये फाइनल हो अराउंड 10K। गुड। सो यस ऐसे लाइक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो आप महीने में लाइक ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे हो ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 3 प्रोजेक्ट्स पर मंथ, तीन चार हो जाते हैं, मतलब या कभी ज्यादा हो दिस सकते एड हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। या सो कपिल क्योंकि जी, मुझे बेसिकली सर अभी आप एक जॉब में अभी आप जॉब कर रहे हो अपना, राइट? यस सर सो जब आप वर्कशॉप में आए, जब आपने आपको लगा कि नहीं ये सब सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तो कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे ये ज़रूर सीखना चाहिए, इसको इस जर्नी के ऊपर आप स्टार्ट करना चाहिए? मैंने सर सबसे पहले आपकी ऐड देखी इंस्टा पे कि आप कैसे मंथली अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं, या फिर आप पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ थी पार्ट टाइम वाली, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि एक तो अर्निंग होगी और वो भी पार्ट टाइम में भी हम कर सकते हैं। एंड देन मैंने आपसे वहाँ पे मीटिंग में मैंने आपके पास मीटिंग ली, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक अंदर से फीलिंग आई सर कि हाँ ये फ्यूचर है, दिस इज अ फ्यूचर यू कैन से। और इसमें हम अगर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हम अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और इसका मुझे एक बेनिफिट सर ये भी मिला है कि मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए जो काम करूं वो मैं काम करूं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे, लाइक मैं उनका वर्चुअल टूर भी बनाऊं, मैं उनकी वेबसाइट भी बनाऊं, और मैं उनके लिए गुड, गूगल ऐप, फेसबुक ऐड्स ये सब भी करूं। एग्जैक्टली, तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तीसरी चीज आप ऑफर सर, कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि सर आपकी जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, आपका जो समझाने का तरीका है वो इतना सिंपल है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को आगे बोला भी है, लेकिन क्या है कि अभी ये कहते हैं लोग बाग कि नहीं यार अभी इतना टाइम नहीं है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी अभी
जैसे मेरा एक दोस्त है, वो सीएस से बीटेक कर रहा है, एक आईटी से बीटेक कर रहा है, तो उन लोगों को मैंने बोला तो वो भी कह रहे हैं भाई अभी थोड़ा हमारा ना मतलब पढ़ने का स्टेज चल रहा है, हमारा उनका लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, वो कह रहे हैं हम जरूर कर लेंगे लेकिन पहले हम अपने बीटेक कंप्लीट कर लें, तो मैं करेक्ट, रिकमेंड भी कर रहा हूँ लोगों को इसके राइट लिए। राइट, अभी सर जिनसे मेरा प्रोजेक्ट मिल रहा है उन्होंने हाँ मुझसे बोला कि उन्हें एक कोड चाहिए, ओके, जेएस कोड, उस टूर को उन्हें वेबसाइट पे डालना। गुड, तो शायद उस टाइम पे मैंने जेएस कोड वाला जो पार्ट था वो देखा नहीं होगा, देखा नहीं था, तो करेक्ट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि आप कुछ सजेशन दीजिए इसके बारे में, जेएस कोड कैसे कैसे निकलेगा इस का, तो वो भी कंफ्यूज हो गया। उसके बाद मैंने फिर आपकी वीडियो देखी, ट्यूटोरियल वीडियो में मुझे पता चला जेएस कोड कैसे निकालना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही एकदम मतलब बिल्कुल मतलब काम हो गया फिर आपको समझ में गया ये तो उसके, इतना इजी था। बहुत ईजी था। उसके बाद मैंने वो टूर का जेएस कोड उनको दिया निकाल के, फिर वो बोले कि मैंने पूछा उनसे कि सर ये आप डाल चुके हैं वेबसाइट पे, नहीं तो उनसे वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसमें एक हाइट विड्थ का ऑप्शन दिया है आप वो एडजस्ट कर लीजिए सर। सो अमेजिंग कपिल, आपकी जो जर्नी है दैट इज रियली वेरी अमेजिंग। लाइक कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जॉब में होते हैं तो दे आर लाइक एक सेट माइंड सेट के होते हैं कि नहीं हम इसमें इसमें यही इतना रहेंगे, ऐसे ही चलना है। बट आपका फोटोग्राफी का बैकग्राउंड भी नहीं है, राइट? एंड यस सर, आप आए, सीखे, समझे और आगे भी आप अच्छा काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर दैट। और थोड़ा अभी बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी आप ध्यान दीजिए, खुद का भी मार्केटिंग कीजिए, बिकॉज जैसे अभी आप एक एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो, राइट? यस सो मैं राइट ये चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने इस पे भी फोकस कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने राइट आपको सर, फेसबुक और गूगल एड्स के भी उसमें कुछ वीडियोज़ दिए, वो अगर आप देख के इम्प्लीमेंट करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कपिल, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा बेसिकली आपका एजुकेशन क्या है, लाइक आपका पढ़ाई कहाँ तक हुई है इसमें? मैंने जो सब पढ़ाई की हुई है वो मैंने बीटेक की हुई है सिविल से, कंस्ट्रक्शन ओके, से। बीटेक इन सिविल, यस सर, ओके ओके ओके, ग्रेट। सो कपिल जी, अभी जो इस इंटरव्यू को लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि इंस्टाग्राम पे आपने ऐड देखी थी, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या सच में अर्निंग हो सकती है, बहुत से लोगों के ये डाउट्स मन में सवाल होते हैं, तो क्या आपको लगता है जेन्युइन थॉट्स आपके? बिल्कुल सर, मेरा तो कहना यही है कि ये थॉट्स नहीं है, ये सर एक्सपीरियंस है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जरूर जरूर ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये फील्ड बिल्कुल नया है लोगों के लिए, लोग बाग अभी करेक्ट, इसके बारे में अवेयर नहीं है। मैं कहीं वीडियो बनाने जब जाता हूँ, फोटो शूट करने जाता हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे करेक्ट, हैं, इस तरह से राइट, एकदम से सरप्राइजिंगली लोग देखते हैं। तो अभी इसमें इतना स्कोप है, इतना फ्यूचर है कि आप कहीं से भी कुछ भी करके कितना भी कितना, तो मैं कहता हूँ महीने का 1 लाख प्लस तो कमा ही सकते हैं आराम से। करेक्ट, राइट, आप लोगों को इसको चूज करना है, प्लस ऐसे ही नहीं इसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने ऊपर, इसमें फील्ड राइट, में आगे भी बढ़ना है, सीखना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। और एग्जैक्टली, अर्निंग्स की तो आप चिंता छोड़ ही दें, अर्निंग तो होगी ही होगी अगर आप इसे करेंगे तो। राइट। स्टार्टिंग में आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपने जब किए या जब जिनसे बात की वो लोग इतना रेडी नहीं थे इसको लेके, या फिर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सो अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में अभी भी कम्प्लीटली नया है। इट इज़ लाइक नॉर्मल फोटोग्राफी से बहुत ही डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग, मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि 99% लोग ऐसे जिनको पता नहीं है, बट उनको प्रॉपरली जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है कि उनको अगर इम्पोर्टेंस उसकी समझाई जाए, उनको बताया जाए, तो डेफिनेटली वो लोग बाद में कन्वर्ट होते हैं एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आपके साथ में करते हैं। सो कपिल, जब आपने अपना एक लिस्ट बनाया होगा, जो मैंने टास्क दिया है आपको लिस्ट क्रिएट करने का अपने क्लाइंट्स का, तो वो आपने कुछ अपना लिस्ट क्रिएट किया था? ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया मैं सर अभी,
ओके, क्या आपने ये देखा मार्केट में कि मार्केट में कितने लोगों का काम हुआ है, कितने लोगों के लिए काम किया जा सकता है फिलहाल, ये आपने स्टडी किया? ये मैंने स्टडी किया और ये मैंने लगभग 3-4 प्लेसेस पे स्टडी किया है सर। सो उसमें आपको क्या दिखा, कितने मतलब कितने लोगों का काम हुआ है, कितने लोगों का होने का बाकी है? मैं अगर आपको बताऊं तो सर 90% लोगों का अभी होना बाकी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो वंस अगेन उसी पॉइंट पे मैं आऊंगा कि मार्केट अभी बहुत ही ओपन है, आप जितना स्पीडीली उसको ग्रैब करते हो, आगे बढ़ते हो, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, राइट? यस। सो बाकी सभी लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक छोटा सा टास्क देना चाहूँगा, वो ये है कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कॉन्ग्रेचुलेट कपिल ऑन कंप्लीटिंग 4 प्रोजेक्ट्स। सो ये आपको जल्दी जाके कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है। सो वंस अगेन कपिल, मेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही जल्दी मैं होप करता हूँ कि आपके साथ एक और इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे जब आप अपने बड़े जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हो। सो जाते जाते अगर आपके कुछ फाइनल वर्डिंग्स है कुछ हमारे ट्रेनिंग के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर कोई भी आपके लर्निंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जो आप बताना चाहेंगे तो वो आप शेयर कर सकते हो। जी सर, मैं तो अभी भी यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए यहाँ पे, आप यहाँ पे सीखिए, सीखने के बाद आप काम कीजिए, यहाँ पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम से भी, पैसे से भी और सीखने से भी। जिस तरह से सर सिखाते हैं, उनका सिखाने का तरीका एकदम सिंपल है, कोई भी बंदा आसानी से सीख भी सकता है और कर भी सकता है। कुछ लोगों का होता है कि वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों का होता है वो थोड़ा लेट सीखते हैं, लेकिन सीखने के ऊपर बात ये है कि सिखाने वाला क्या सिखा रहा है और किस तरह से सिखा रहा है। तो जो कुछ भी सिखाते हैं सर और जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो एकदम सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में है, सारा कुछ सिंपल है, आसानी से समझ में आता है और सारे प्रोजेक्ट्स वो एकदम लाइव आपको दिखाते हैं करके। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको जो चीज़ें लाइव दिखाई जा रही हैं उनको आप जैसे ही करने लगोगे तो वो आपको और भी आसान लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सीखिए और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच कपिल फॉर ज्वाइनिंग। बाकी सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी कपिल की तरह हमारे गूगल से फोटोग्राफी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इस काम को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के रिसेप्शन में मैंने आपको हमारे वर्कशॉप का लिंक दिया है जिसको अटेंड करके आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाके आप अगले सेशन के लिए रजिस्टर जो है वो कर सकते हैं। सो कपिल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट और आगे अच्छा काम कीजिए एंड जल्दी से मुझे चांस दीजिए फिर से आपको बुलाने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आप, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो वेरी मच कपिल एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो जस्ट लाइक दिस। बाय बाय। बाय बाय सर। थैंक यू।